कर रहे हैं? सुनना नहीं चाह रहे सब। हम एक ही लड़ने की ये सजा देंगे मुझे। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और शानदार न्यूज के साथ। देख रहे हैं YouTube चैनल खबर आप तक। दोस्तों, बात आज करेंगे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी का जो चकाचौंध जीवन आज है, लेकिन उनकी शुरुआत की परिस्थिति आज से बिल्कुल उलट थी। तो स्मृति ईरानी ने आज तेज तर्रार नेता है और किसी भी विरोधी को जबरदस्त लपेटकर जवाब देने में माहिर मानी जाती है। लेकिन आपको बताते हैं स्मृति ईरानी की ज़िंदगी की क्या स्टोरी है। एक ऐसी भी कहानी है जिसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा धूर्तता दिखाई और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने किसी के साथ धोखा किया और बहुत ही चालाकी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो क्या है वो रोचक किस्सा, वो बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले जान लीजिए स्मृति ईरानी के बारे में। स्मृति ईरानी का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ और शुरुआत में उनके घर की परिस्थिति बहुत ख़राब थी और चार बहनों में स्मृति ईरानी बड़ी हैं। और एक पंडित ने बचपन में भविष्यवाणी करते हुए उनके लिए कहा था कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पंडित की इस भविष्यवाणी को चुनौती बनाते हुए स्मृति ईरानी ने काफ़ी स्ट्रगल किया। और शुरुआत में कहा जाता है कि एक कैफ़े के अंदर वो डिलीवरी गर्ल की नौकरी करने के लिए भी तैयार हो गई थी। इसके साथ स्ट्रगल करते हुए स्मृति ईरानी ने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर सिनेमा जगत में प्रवेश किया। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी के नाम से सीरियल के अंदर काम किया और उसके साथ ही देश के घर घर में अपनी पहचान एक बहू के रूप में बनाई। बात उनके स्ट्रगल के समय की है, तब उनकी एक फ्रेंड हुआ करती थी मोना ईरानी, जो कि एक बिजनेसमैन जुबिन ईरानी की पत्नी थी। वो स्मृति की बहुत अच्छी सहेली बन गई और स्ट्रगल के टाइम में मोना ईरानी ने स्मृति को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, धीरे धीरे स्मृति ने मोना ईरानी के पति जुबेन ईरानी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ती गई और साल 2001 में जुबेन ने अपनी पत्नी मोना ईरानी को तलाक दे दिया और उसके साथ ही स्मृति से विवाह कर दिया और तब से वो बन गई स्मृति जुबेन ईरानी। सर, स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में सक्रिय प्रवेश किया और उसके बाद धीरे धीरे संघर्ष करते हुए वो इस मुकाम तक पहुंची। हालांकि स्मृति ईरानी अभी तक एक भी चुनाव नहीं जीत सकी है। दिल्ली के चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा था उन्होंने 2009 के अंदर, लेकिन वहां से वो चुनाव हार गई। 2014 में उन्हें अमेठी से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा गया, लेकिन वहाँ से भी वो हार गई। आज फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ वो ताल ठोक रही हैं। तो ये था स्मृति ईरानी के जीवन का वो अजीब सा किस्सा कि कैसे उन्होंने अपनी ही फ्रेंड के साथ धोखा करके उनके पति से शादी की और आज वो इस मुकाम पर हैं। तो कहीं बार कहीं सारे स्टार चेहरों के पीछे भी उनकी ज़िंदगी का काला सच छुपा होता है, जो आज हमने आपको बताया। लाएंगे ऐसी ही तमाम रोचक वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए खबर आप तक। धन्यवाद।